अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट वीक वी रीड फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास विच इज़ अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इनटू दिस वीक वी कवर सेकंड चैप्टर ऑफ 10th क्लास विच इज़ अ चाइनीज़ न्यू ईयर, चीन का नया साल। इनटू द फर्स्ट पैराग्राफ वी रीड Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to Chinese lunar calendar. चीनी साल नव की छुट्टी होती है जिसमें चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज पर खुशी मनाई जाती है। It is considered to be one of the most important holidays of Chinese family. चीनी खानदानों के लिए इससे अहम तरीन छुट्टियों में से एक छुट्टी शुमार किया जाता है। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic food and display of festive decorations. ये छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तम से तहाइफ देकर अलामती खाने खाकर और खुशगवार आरइशों के अहतमाम से मनाई जाती है। All focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. ये जो तमाम सरगर्मियाँ हैं इनका असल मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और आने वाले मौसम बहार की खुशी मनाना है। तो इस चैप्टर में हम, जैसा कि आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, हम इस चैप्टर में चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपना नया साल, जो कमरी साल है, उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वो किस तरह से वो खुशियाँ मनाते हैं। हम आगे मूव करते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। इन चाइना लूनर कैलेंडर इज़ स्टड एंड टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजिज ऑफ मून। चीन में अब भी रवायती तातीलत, जैसा कि चीनी साल नो है, का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद, जिसका गर्दिश करने का दौरानिया सूरज की नस्बत कम है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन सन, जो कि सूरज की नस्बत कम है। चाइनीज न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, जो चीनी साल नो है हर साल किसी एक ही दिन नहीं आता ईच डे ईयर, बट टिपिकली समवेयर बिटवीन जनवरी 20 एंड फरवरी 20 सेलिब्रेशंस कैन अटम। चीनी साल नो हर साल किसी एक ही दिन में नहीं आता, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान में कहीं भी आ जाता है। यानी कि इसमें कहने का मकसद है उसका कि चीनी जो नया साल है वो एक ही दिन नहीं आता, ये किधर से लेके किस मंथ की किस डेट तक जाता है, ये 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी में किसी भी दिन भी आ सकता है। लास्ट हेयर आर सम ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर, तकरीबात दरअसल महीना भर जारी रह सकती हैं। यहाँ साल नौ से मुतलका कुछ रवायात हैं। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ, सेकेंड पैराग्राफ में घरों की सफाई और नए कपड़े जो उनके नए साल में पहने जाते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन, इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज। कबल खानदानों में रिवाज है कि वो अपने घर मुकम्मल तौर पर साफ करते हैं। डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट एंड बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कहा जाता है कि ऐसा करना गुज़िश्ता साल की किसी भी बदकिस्मती का निकाल, घर से निकाल बाहर करना है। टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर कमिंग ईयर, जो कि नए साल के लिए अच्छा साबित होता है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, तमाम जो सफाइयाँ हैं वो नए साल के दिन से पहले ख़त्म कर दी जाती हैं। सो देर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ न्यू ईयर, ताकि इतफाकिया तौर पर नए साल की खुशकिस्मती का निकाल बाहर करना और घर आने वाले साल की खुशकिस्मती कबूल करने के लिए तैयार करना है। ठीक है जी, आगे न्यू ईयर वियरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, जो स्याल बास है वो मौत से तल्लुक की वजह से इसे पहनने की इजाज़त नहीं है। However, wearing red is encouraged, हत्ता के सुरख पहनने पर हौसला अफजाई की जाती है। As the color is associated with warding off bad spirits, क्योंकि इस रंग का तल्लुक बदरूहों से छुटकारा पाने से है। आज हमने ये दो पैराग्राफ पढ़े हैं चाइनीज न्यू ईयर के, इसे अच्छी तरीके से आपने स्टडी करना है और इसमें से जो मुश्किल वर्ड्स आपको लगते हैं उनके मीनिंग्स जो हैं वो आपने
अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं और इसकी ट्रांसलेशन अच्छे से याद करनी है। सो गाइस, नेक्स्ट हम थर्ड पैराग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।